वो शैम्पू उड़ा रहा है ठीक ठाक। ये देखो मतलब आ रहा है, वॉश तो कर रही है, पानी मारने का काम अच्छा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हमारे पास है एक कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर। तो ये जो प्रेशर वॉशर है, इसके बारे में मैंने जब देखा तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी मुझ में, तो मैंने ये परचेस कर लिया। तो आज इसको हम टेस्ट करेंगे कितना प्रेशर ये जनरेट करता है, किस यूज़ के लिए है, क्या ये मतलब हमारे रेगुलर प्रेशर वॉशर है उन जैसा प्रेशर बना पाता है, यूज़ करने में कैसा है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये देखो, ये मैंने अमेज़न से परचेस किया है और 4,599 रुपये में मुझे मिला है, मतलब 4,600 रुपये में ये कुछ मिला है। तो ये जैसे प्रेशर वॉशर बहुत से मिलते हैं आपको अलग अलग कंपनी के, लगभग 4,000 से 5,500 तक ये होते हैं, अलग अलग प्राइस के, अलग अलग डिज़ाइन वगैरह के। ठीक है, तो ये देखो, ये वो प्रेशर वॉशर इस तरीके के बॉक्स में आया है। ये देखो, इसमें एक पाइप मिलता है, इसमें क्या एक ही पाइप लगाना पड़ता है, इनलेट पाइप। तो ये 5 मीटर के आसपास ये पाइप है, उसके बाद ये कुछ अटैचमेंट मिल जाते हैं। ठीक है, ये पाइप के अटैचमेंट और ये नोज़ल मिल जाते हैं, एक पॉइंट वाला मिल जाता है और ये कुछ 40 डिग्री का मिल जाता है। ये देखो, ये दो अटैचमेंट मिल जाते हैं, इसके बाद ये शैम्पू डिस्पेंसर मिल जाता है, बैटरी मिल जाती है सिंगल। इसमें बहुत सी कंपनी आती है, कुछ में सिंगल आती है, कुछ में डबल आती है, प्राइस का भी डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है, ये चार्जर मिल जाता है, एक फिल्टर मिल जाता है और ये हमारा मेन वॉशर और गन, मतलब एक ही डिज़ाइन है और काफ़ी छोटी सी मतलब जगह में एकदम ऐसा मतलब कहीं भी ले जा सकते हो आप, एकदम इजी टू यूज़ है और कैरी करने में भी आसान है, स्टोर करने में भी आसान है। और ये देखो, ये इस तरह चालू होता है। ठीक है, तो अभी इसको अटैच करते हैं पूरा और देखते हैं कैसा है इसका प्रेशर। अभी देखो, ये पाइप है, एक तरफ फिल्टर मैंने लगा दिया, दूसरी तरफ ये देखो, ये इसका कपलर है, ये लगा देना है। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा, ये देखो ये लग गया और इसके बाद ये कपलर लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये लग गया और ये इसका एक्सटेंशन है, ये इधर लगेगा। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से टाइट हो जाएगा और ये दो अटैचमेंट है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो आप। एक पॉइंट वाला है, एक 40 डिग्री वाइड है, तो पहले हम पॉइंट वाला लगाते हैं। ये देखो, ये लग गया पॉइंट वाला। ठीक है, ये चार्जर वगैरह है, बैटरी चार्जिंग करने के काम आएगा। अभी इसको हम बाल्टी में डुबाते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये आउटपुट देता है। अभी देखो, पूरा अटैचमेंट कर लिया और बाल्टी में डाल दिया, इसका फ्लो दिखाता हूं आपको। जा तो रहा है, ठीक ठाक जा रहा है, इतना मतलब अच्छा भी नहीं कर सकते और एकदम बुरा भी नहीं कर सकते, ठीक ठाक कर सकते हैं। ये देखो, हाइट कुछ है, लगभग 10-12 फुट मतलब फ्लो की हाइट मिल रही है आपको। ठीक है, तो प्रेशर इतना मतलब खास नहीं है, तो बैटरी वाला है तो खास होगा भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 230 वोल्ट की होती है और ये तो रहेगा 20 या 24 वोल्ट का। इधर 48 लिखा है लेकिन लग नहीं रहा है कि इतना ज़्यादा होगा। ठीक है, 48 भी हुआ तो भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं, 220 का और 48 का उसमें इतना एम्पियर ज़्यादा रहता है, ये बैटरी इतनी सी रहती है तो इतना नहीं हो सकता। ठीक है, और अभी देखते हैं। अभी ये देखो, ये गाड़ी पूरी गंदी हो चुकी है, देखो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं, मिट्टी वगैरह जो बहुत ज़्यादा है वो जा रही है लेकिन मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं जा रही है। देखो, ये देखो, ये सिर्फ पानी मारने का काम करता है, बाकी मतलब मिट्टी वगैरह जो बहुत ज़्यादा है ना वही जाएगी, ये मिट्टी के दाग वगैरह है वो तो नहीं जाएगी, आपको ही मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, वो कपड़े से अच्छे से रब करना पड़ेगा। प्रेशर तो मतलब जो हमारे रेगुलर प्रेशर वॉशर है उनके मुकाबले काफ़ी कम है इसका प्रेशर, लेकिन सिर्फ आप अगर ऐसे ही मतलब मग से वगैरह गाड़ी धोते हैं पानी मार के तो आपका काम ये आसान कर देगा, क्योंकि पानी मारने के काम तो आएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका जो शैम्पू डिस्पेंसर है वो भी देखेंगे, वो कितना काम करता है ये भी देखेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितना काम का है। बाकी तो मतलब ऐसे स्प्रे करने के लिए आप सिर्फ पानी से गाड़ी वॉश करते हैं, अगर डेली पानी मारते हैं गाड़ी पर तो ये काम का हो सकता है, और आपका घर दूर है, गाड़ी कहीं दूर पार्क रहती है, उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी का सोर्स नहीं है, तो आप मतलब दूर कहीं भी ले जा सकते हो, इसको गाड़ी में रख सकते हो, कहीं
किधर भी कहीं भी किसी भी समय आपको गाड़ी इसे वॉश करनी है तो वॉश कर सकते हो। लेकिन जैसा हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रेशर वॉशर होता है, एकदम कम मेहनत में पानी गाड़ी धो देता है, उतनी कम मेहनत में ये नहीं धोने वाला। इसमें थोड़ा सा गाड़ी को हमें रब करना पड़ेगा। अभी पॉइंट वाला एक्सटेंशन निकाल देता हूँ, अभी 40 डिग्री वाला डाल देता हूँ। पॉइंट वाले में सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है, उसमें भी इतना नहीं है अच्छा मिला, तो 40 वाले में उससे कम आएगा, देखते हैं कितना आता है। मतलब आ रहा है, वॉश तो कर रही है, पानी मारने का काम अच्छा हो रहा है, ये देखो। लेकिन प्रेशर नहीं है पानी में जितना चाहिए ना, पॉइंट में तो ठीक ठाक था, मतलब इसमें तो इतना भी नहीं है, ये देखो पानी मार रहा है अच्छे से। तो अभी इसका शैम्पू डिस्पेंसर जो है ना, उसमें शैम्पू भर के देखते हैं तो उसमें कितने अच्छे से शैम्पू उड़ता है और कितनी अच्छे से हमारी गाड़ी वॉश की जा सकती है इससे। तो अभी देखो शैम्पू जो डिस्पेंसर है उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाला और अभी देखते हैं कैसे उड़ता है। ये देखो शैम्पू उड़ा रहा है ठीक ठाक, ये देखो। अभी देखो शैम्पू डिस्पेंसर ने भी ठीक ठाक काम किया। तो अभी इसको आपको अच्छे से एक अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप करना है। ये देखो ये पूरा, मैं मतलब पूरी गाड़ी नहीं वॉश कर रहा क्योंकि बारिश भी अभी होगी, बारिश बहुत चल रही है इधर। तो इसके लिए सिर्फ ट्रायल पर्पज़ के लिए मैं ये आपको दिखाऊंगा एक दो पीस करके। ये देखो ये अच्छे से वाइप करना है आपको। मैगविल भी रह गया था हमारा, तो मैगविल भी आपको कपड़े से ही साफ करना पड़ेगा। तो ये आप देखोगे तो इतना मतलब ऐसा गाढ़ा कीचड़ भी नहीं है, फिर भी प्रेशर इसका लो है, मतलब लगभग 20-30 PSI के आसपास रहेगा मेरे हिसाब से, एक अंदाज से, उससे ज़्यादा तो नहीं है। सिर्फ पानी खींचने का काम करता है बाल्टी से और थोड़ा बहुत प्रेशर है, तो यही इसका बेनिफिट है। और बाकी मतलब प्रेशर वगैरह सब भूल जाओ आप, इतना मतलब जो प्रेशर वॉशर इलेक्ट्रिक होता है तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता ये। एक बार वाइप कर लिया फिर से एक बार शैम्पू मारता हूँ। ठीक है अभी मैं 40 डिग्री वाला नोजल लगा के इस पे पानी मार दूंगा। ये देखो ये 40 डिग्री वाला ले लिया मैंने, और एकदम पास से पानी मारना पड़ेगा आपको। ये देखो हो रहा है, मतलब काम हो रहा है आपका। ये देखो तो आपका कार वॉशिंग का काम तो हो जाएगा। वैसे तो आपका कार वॉशिंग का काम मग से पानी लेते हो मारते हो तो भी हो जाता है, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है मग से पानी वगैरह मारने की, और पानी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ये देखो पूरी बाटली थी हमने लगभग 20-25% कार वॉश की, फिर भी मतलब आधी बाटली अभी पानी है। तो 2-3 बाटली में आपकी बड़ी कार है, सेडन वगैरह है, तो भी वो प्रॉपरली वॉश हो जाएगी। इसके बाद वाइप करने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, विदाउट वाइप के तो हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर वॉशर रहता है उसमें भी हम वाइप करते हैं कपड़े से अच्छे से, मतलब घिस घिस के रगड़ रगड़ के धोते हैं, तो उसमें भी वैसे ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा लगेगी क्योंकि ये पानी का प्रेशर डाउन कम होने की वजह से इतनी ज़्यादा गंदगी अपने आप दूर नहीं करता, लेकिन ठीक ठाक कर लेता है। इतनी मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इससे क्योंकि ये बैटरी वाला है, ये तो इलेक्ट्रिक है नहीं। ठीक है तो आप विदाउट वाइप धोते हैं तो इस तरीके से थोड़े बहुत दाग रहेंगे। ये देखो ये बोनेट हमने वाइप नहीं किया है, सिर्फ पानी से ये वॉश किया है, पानी और शैम्पू मारा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ ये, लेकिन ये एकदम प्रॉपर हो गया है। देखो
तो ये जो प्रेशर वॉशर है, मतलब हमारे इलेक्ट्रिक प्रेशर वॉशर से इसको कंपेयर करना भी गलत है। और मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर वॉशर एक अलग है, ये बैटरी वाला एक अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिक प्रेशर वॉशर के मुकाबला का फिर भी कंपेयर करें उससे तो इतना अच्छा काम नहीं करता। इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इसमें, इसमें इतना प्रेशर नहीं है, इसमें ठीक ठाक प्रेशर है, सिर्फ गाड़ी पर पानी मारने का काम करता है, प्रेशर से गंदगी साफ़ करने का इतना अच्छा काम नहीं करता ये। तो मेरे हिसाब से ये लेना मतलब इतना कुछ ये नहीं है, वर्थ नहीं करता। आपको अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर वॉशर चाहिए तो सबसे बेस्ट तो इलेक्ट्रिक ही आएगा अब तक, तो इलेक्ट्रिक ही सबसे बेस्ट है। कोई भी लो आप, सस्ता वाला लो महंगा वाला लो, तो उसके प्राइस के हिसाब से जो आएगा वो इलेक्ट्रिक ही अच्छा रहेगा, कि उसमें अच्छी पावर रहती है, लेकिन उसमें कुछ डाउन साइड है, क्योंकि उसको जगह ज़्यादा रहती है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, पानी का फ्लो चाहिए हो तो उससे भी बाल्टी में आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कनेक्शन वगैरह करना, उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें ये अपसाइड है, इसको कैरी करना, कनेक्ट करना एकदम आसान है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं रहती, इसको कैरी कर सकते हैं आराम से, आराम से किसी भी कोने में रख सकते हैं, कुछ टेंशन नहीं, ये इसकी एक अपसाइड है। दूसरा, ये तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के चल जाएगा, किधर भी आप कहीं भी लेके जाओ, नदी में भी आपको गाड़ी धोनी है तो नदी में पाइप डालो, कार वॉश करो, कुछ टेंशन नहीं है। दूसरा, इसका यूज़ जो एसी की सर्विस वगैरह करते हैं, या फिर आपको अगर एसी की वगैरह सर्विस करनी है, हाउस होल्ड में कुछ सफाई करनी है, विंडोज़ वगैरह वॉश करनी है, तो इसका एक अच्छा यूज़ हो सकता है, क्योंकि एसी की सर्विस वाले जो बंदे होते हैं उनको मतलब घर जाके एसी करना पड़ता है हर एक के, वो कैरी करने में आसान रहेगा, और एसी की कॉइल क्लीनिंग के लिए जो प्रेशर लगता है वो सफिशियंट प्रेशर है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता, इतना प्रेशर है, ठीक ठाक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उस यूज़ में इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही साथ छोटी मोटी गार्डनिंग करनी है, कुछ स्प्रे वगैरह करना है, कुछ मतलब केमिकल्स आते हैं जो भी मतलब उसके जंतुनाशक वगैरह आते हैं, वो स्प्रे करनी है छोटी मोटी गार्डन में, बहुत ज़्यादा गार्डन में, बहुत ऊंची गार्डन है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है तो नहीं कर पाएगा, लेकिन छोटी मोटी गार्डन में आप इससे काम चला सकते हो। फिर जो बंदे बाइक वगैरह वॉश करते हैं, डेली वॉश करते हैं, तो उनके लिए एक ठीक ठाक है, सिर्फ मतलब हाथ से पानी मारने से अच्छा तो ये है, अगर आप रेगुलर जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर ये प्रेशर वॉशर यूज़ नहीं कर सकते तो फर्स्ट प्रेफरेंस वही है, इलेक्ट्रिक प्रेशर वॉशर जो आता है वही बेस्ट है। सेकंड प्रेफरेंस, अगर वो यूज़ करना अनकम्फर्टेबल है, यूज़ नहीं कर सकते, ये कम्फर्टेबल रख रहा है तो ये ठीक है उस जगह। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखोगे तो ये स्टील वाले पाइप है, ये जो नोज़ल वगैरह है उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी है, बैटरी की क्वालिटी मतलब ऊपर की क्वालिटी भी अच्छी है, ये प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है, चार्जर की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन पाइप की क्वालिटी है ये मतलब इतनी नहीं अच्छी लगी मुझे, इसका थिकनेस और थोड़ा ज़्यादा होता तो अच्छा होता, बाकी तो क्वालिटी मतलब ठीक ठाक है। बॉक्स की क्वालिटी भी एकदम अच्छी नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है एकदम मतलब पहले से भी टूटा है ये देखो, ठीक है। तो ये सब है, जो भी है आपको लेना है नहीं लेना है आपके ऊपर है। मैं तो किसी को ले लो ये नहीं कह सकता, क्योंकि इतना तो बढ़िया प्रोडक्ट मुझे नहीं लगा। अगर कुछ मतलब ये है मतलब आप इलेक्ट्रिक प्रेशर वॉशर यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रेशर वॉशर चाहिए ही, तो आप ले सकते हो, आपकी जिधर कार है बाइक है उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही और आपको चाहिए ही प्रेशर वॉशर, तो आप ले सकते हो। एसी की जो सर्विस करते हैं बंदे उनके लिए अच्छा है, वो मतलब किधर भी कैरी कर सकते हो, एसी की सर्विस कर सकते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा है। और हाउस होल्ड में आपको अगर ज़्यादा रहता है काम, विंडोज़ वगैरह आपको क्लीन करनी पड़ती है, कुछ दीवारें क्लीन करनी पड़ती है, और बाकी एसी की सर्विस वगैरह तो है ही, बाइक वगैरह वॉश करने में मतलब ठीक ठाक है, तो इस पर्पज़ के लिए आप ये यूज़ अगर होने वाला है आपको, और दूसरी मतलब ये है कुछ मजबूरी है कि इलेक्ट्रिक यूज़ ही नहीं कर सकते, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये मतलब किसी कंपनी का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये सब आते हैं तो प्राइस के हिसाब से 19-20 दो बैटरी सिंगल बैटरी ऐसे आते हैं, तो सारी जो जितने भी हैं उनके लिंक दे दूँगा, जो भी आपको पसंद है, जिसकी वारंटी वगैरह अच्छी लगे, जिसके रिव्यूज़ अच्छे लगे, वो आप ले सकते हो। तो आशा करता हूँ जो भी मतलब सच्चाई है वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। मुझे भी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि इनके जो ऐड आते हैं उनमें तो प्रेशर काफ़ी अच्छा दिखता है, पूरा गंदगी वगैरह साफ होती है वो दिखता है, तो इसके लिए मैंने भी परचेस किया और बोला ठीक है वीडियो भी बना देता हूँ, कितना काम करता है कितना नहीं, और जो भी सच है वो मैंने आपको बता दिया, जो भी प्रेशर है वो सब बता दिया, कैसे शैम्पू मतलब स्प्रे करता है सब दिखा दिया।
और आशा करता हूँ तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।